फ्रेंड्स अभी हमें है नैनीताल में और यहाँ पर एक 62 KVA के जनरेटर में स्पार्किंग हो रही है अंदर से, तो देखेंगे कहाँ से स्पार्किंग हो रही है और इसको हम सही करेंगे। इसको जब रोड पर डालूंगा रोड में हाँ तो चिंगारी मार रहा है। तो फ्रेंड इसकी जो स्लिप रिंग है वो शॉर्ट हो रही है, तो इसको हम देखेंगे रिपेयर हो पाएगी या फिर हमें इसको नया डालना पड़ेगा। एक बार हम इसको लोड डाल के चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड जनरेटर स्टार्ट हो चुका है, अब हम इसके ऊपर लोड डालेंगे और यहाँ पर ये लोड डल चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से ये स्पार्किंग कर रहा है। तो काफ़ी यहाँ पर ये स्लिप रिंग कटी हुई है और ये सिर्फ एक ही स्लिप रिंग में यहाँ पर स्पार्किंग हो रही है। और मैं आपको थोड़ा सा दूसरी साइड से दिखा देता हूँ किस तरह से उधर से दिखाई दे रहा है। तो इस साइड से भी आप देख सकते हैं यहाँ पर भी काफ़ी स्पार्किंग इधर से भी दिखाई दे रही है। आपने देखा कितना भयंकर यहाँ पर स्पार्किंग हो रही है और जब ये स्पार्किंग हो रही होगी तो जो हमारी लाइट है वो इस तरह से झपझप हो रही है, लेकिन लाइट थोड़ी आगे है ऊपर। तो पहले हम इसको रिपेयर करके ही देखते हैं किस तरह से रिपेयर करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा रेक्टिफायर की वायर है ये प्लस माइनस इसमें से एक वायर को हटा देंगे, चाहे तो दोनों वायर हटा देंगे, यानी जो इसकी फील्ड कनेक्शन है उसको हम डिसकनेक्ट कर देंगे। उसके बाद ये करंट नहीं बनाएगा, पर जो है काफ़ी बुरा हाल हो चुका है स्लिप रिंग का। तो स्लिप रिंग को हम पहले साफ़ कर लेते हैं, फिर देखते हैं ये प्रॉपर वर्क कर पाएगा नहीं कर पाएगा, तो फिर हमें चेंज करनी पड़ेगी। तो ये रही हमारे पास रेती और टेस्टर। फिलहाल हम यहाँ पर एक वायर खोल रहे हैं, आप चाहें तो पॉजिटिव खोल सकते हैं चाहे तो नेगेटिव, बस मतलब ये है कि इसका सर्किट डिस्कनेक्ट हो जाना चाहिए रेक्टिफायर का या डायोड प्लेट का या फिर AVR का। ओके कट कर दिया हमने यहाँ से। अब जो है इसको हम स्टार्ट करेंगे तब भी ये करंट नहीं बनाएगा। और उसके बाद जो इसके कार्बन है कार्बन निकाल देते हैं, कार्बन घिस गए ना इसके पूरे, पूरा लग नहीं पा रहा है वो कार्बन, उसने स्लिप रिंग खराब कर दी। ओफो कार्बन घिस गए पूरे, तभी दिक्कत दे रहा है, कार्बन पड़ेंगे इसके। स्टार्ट करो। तो कार्बन हमने निकाल दिया, अब हम जनरेटर को स्टार्ट करेंगे। तो जनरेटर स्टार्ट हो चुका है और अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास रेती है कोई फ्लैट रेती लेंगे, गोल रेती नहीं लेंगे, फ्लैट रेती जिसका सामने का फ्रंट जो होगा वो सीधा होगा, उसको हम जो स्लिप रिंग कटी हुई है उसके सामने इस तरह से हम लगाएंगे, बहुत ही हल्का सा लगाएंगे, ज़्यादा से एकदम से लगाएंगे तो रेती टूट भी सकती है और हमारा हाथ अंदर जा सकता है एकदम से, अचानक से रेती टूटेगी या फिर ये बैग भी मार सकती है और रेती टूट के हमारे भी लग सकती है। तो बहुत ही आराम से हल्का हल्के स्लो तरीके से लेकर के जाएंगे और स्लिप रिंग को आराम से घिसेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने रेक्टिफायर का तार हटा दिया है तो इस वजह से रनिंग कंडीशन में भी हमें यहाँ पर करंट नहीं लगेगा। रेक्टिफायर या फिर AVR या फिर डायोड्स प्लेट जो हम फील्ड डिस्कनेक्ट कर देते हैं उससे, तो फिर यहाँ पर ये करंट नहीं बनाता, जो नॉर्मल बोल्ट होते हैं इसके वही बोल्ट बनाता है 12 वोल्ट या फिर 24 वोल्ट। लेकिन दोनों स्लिप रिंग को अगर हम आपस में शॉर्ट करेंगे तो वहाँ पर स्पार्किंग होगी, लेकिन 12-24 वोल्ट ही इसके अंदर रहेंगे इस समय। लेकिन जैसे ही हम AVR को लगाएंगे या फिर रेक्टिफायर को लगाएंगे तो यहाँ पर जो है करंट आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसका तार डिस्कनेक्ट कर रखा है, तो बाकी की जो स्लिप रिंग है उन पर भी हम हल्की हल्की सी रेती लगा देते हैं, उनको भी नया कर देते हैं। तो स्लिप रिंग हमने अच्छे तरह से घिस ली है और जनरेटर को हम बंद करते हैं। जनरेटर बंद हो चुका, अब हम देखेंगे किस तरह की स्लिप रिंग हो चुकी है। तो स्लिप रिंग हमारी बिल्कुल साफ़ हो चुकी है, कोई प्रॉब्लम इस समय स्लिप रिंग के अंदर नहीं है। जो हमारे कार्बन है ये काफ़ी घिस गए हैं, तो यहाँ पर हम नैनीताल में हैं इस समय, तो यहाँ पर कार्बन अवेलेबल है नहीं और हमारे पास जिस साइज़ के कार्बन है वो यहाँ पर इसके अंदर नहीं आएंगे घिस घिसा करके भी, क्योंकि इसके अंदर लीडो वाले कार्बन लगे हैं। तो हम फिलहाल इसको टेम्परेली काम चला देते हैं, 1-2 दिन के अंदर ये 1-2 दिन ये चल जाएगा, उसके बाद हम इसको आ करके दोबारा से इसके अंदर न्यू कार्बन लगाएंगे। तो फटाफट से हम इसके अंदर कार्बन लगा देते हैं।
तो फ्रेंड यहाँ पर हमने इसके अंदर कार्बन लगा दी है और जो इसके हमने वायर डिस्कनेक्ट किया था एयर रेक्टिफायर का के कनेक्शन हमने कर दिए हैं और अब देखेंगे हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई है नहीं हुई। जनरेटर को स्टार्ट करते हैं। तो जनरेटर स्टार्ट हो चुका है, लोड डाल करके देखते हैं। तो लोड अभी पड़ने वाला है, जैसे ही लोड पड़ेगा जनरेटर की आवाज़ चेंज हो जाएगी, आपको पता भी लग जाएगा। तो लोड पड़ चुका है और यहाँ पर कोई भी स्पार्किंग नहीं हो रही है, बिल्कुल हमने यहाँ पर इसको सही कर दिया है। टेम्परेरी परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है, ठीक है। तो अभी इसका लोड पड़ चुका है, एक दो मिनट इसको हम चलने देंगे ऑन लोड पर ही और अच्छी तरह से इसको हम चेक कर लेंगे। तो फ्रेंड इसको चलते हुए कम से कम 10-15 मिनट हो चुके हैं और इसको हमने अच्छी तरह से चेक कर लिया। फिलहाल इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और इस समय लोड पर चल रहा है, तो जनरेटर को हम बंद करते हैं। तो फ्रेंड जो भी हमारी प्रॉब्लम थी उसको हमने सॉर्ट आउट कर दिया, लेकिन इसके कार्बन हमें चेंज करने पड़ेंगे क्योंकि हम अभी काफ़ी दूर है नैनीताल पहाड़ में, तो यहाँ पर हमारे पास इस साइज़ के कार्बन नहीं है। फिलहाल इस समय ये होटल का है तो टेम्परेरी हमने काम चला दिया है। और आपको कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलती रहे।